सुप्रीम कोर्ट पहुंची शमी की पत्नी हसीन जहां, गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पर कई गंभीर आरोप। जी हां, मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। हसीन जहां ने गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर इस पिटीशन में कहा गया है कि टीम इंडिया और गुजरात टाइटंस के गेंदबाज के खिलाफ एक आपराधिक मामला बिना किसी निर्णय के बीते चार दिनों से रुका हुआ है। इस बीच हसीन जहां ने शमी पर नए आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरों पर मोहम्मद शमी अभी भी अनैतिक संबंधों में लिप्त हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हसीन जहां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकार चुके हैं, लेकिन वह न्याय पाने के लिए शमी के खिलाफ लगातार केस फाइल कर रही हैं। 2018 में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज और उनके बड़े भाई से कोलकाता की महिला पुलिस द्वारा पूछताछ भी की गई थी। इसके बाद शमी के खिलाफ अलीपुर कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी की वारंट भी जारी की गई थी, लेकिन वारंट पर रोक लगने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोलकाता कोर्ट ने शमी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शमी ने आपराधिक मुकदमे के लिए भुगतान भी नहीं किया था। हसीन जहां में हालांकि याचिका के जरिए आरोप लगाया है कि उन्हें दहेज की मांग की गई और विवाह के बाद उनका वैश्याओं के साथ संबंध बना रहा। याचिका के मुताबिक मोहम्मद शमी अनैतिक मसलों को मैनेज करने के लिए एक मोबाइल का उपयोग करते थे। उस फोन को कोलकाता की लाल बाजार पुलिस ने जब्त कर लिया था। याचिका में लगाए गए आरोपों के अनुसार मोहम्मद शमी आज भी अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं। इन आरोपों पर शमी ने कहा कि अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो वो हसीन जहां से माफी मांग लेंगे। इस साल की शुरुआत में कोलकाता की अदालत ने हसीन जहां के लिए मोहम्मद शमी से 50,000 रुपए का मासिक गुजारा भत्ता देने को कहा था।